अब हम लोग मॉड्यूल देखेंगे 9, जो कि आपका लास्ट मॉड्यूल है आपके बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का। इसके बाद जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद, वो आपका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस के साथ आपका सॉल्यूशन। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है मॉड्यूल का, चैप्टर का नाम माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब छोटा, बायोलॉजी आप तो समझ ही रहे हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछला जो चैप्टर था मेटाबॉलिज्म था, उससे पहले का चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 जो था वो था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब था बड़ा और बायोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए जो पढ़ा रहे थे वो हम लोग देखे थे उसमें। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है। तो वैसा बायोलॉजी का पार्ट जिसमें हम लोग यह स्टडी करते हैं, जो वैसा जीव जंतु हो या ऑर्गेनिज्म हो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो खुली आंखों से हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, है ना, मतलब अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, कुछ एल्गी, प्रोटोजोवा, वायरस, इन सभी को हम लोग देख नहीं सकते हैं अपनी खुली आंखों से, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को, बायोलॉजी को कहा जाता है माइक्रो बायोलॉजी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये एक नेसेसरी पार्ट होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। जैसे दही, माठा, ये सब कैसे बनता है, वैक्सीन्स जो बनते हैं, दवाइयाँ जो बनती हैं, वो भी कहीं ना कहीं या तो बैक्टीरिया या वायरसेस या प्रोटोजोआ का मिलाकर ही बनता है। कुछ विटामिन्स, कुछ एंजाइम्स, ये सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और आज के जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी कई सारे डेवलपमेंट हो रही हैं, उसमें भी हमारा रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है 7 तरीके का फंडामेंटल्स को वो शो करता है। सबसे पहला कि वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्सिव होता है, यानी इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेज हो रहे हैं तो वो किसके कारण से हो रहा है, तो वो आपका होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखने को मिलता है उसको, उसमें जो है अपने जैसे बच्चे को पैदा करने की कैपेसिटी होता है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कौन सा सेल क्या काम करेगा। अब जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 तरीके से बाइसेक्ट किए जाते हैं ऑन द फंक्शन ऑफ सेल। एक हो मतलब प्रेजेंट ऑफ सेल, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक ही सेल हर काम को परफॉर्म करेगा, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हर काम को करने के लिए, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स वहाँ पे जो है यूज होते हैं। फिर इसमें जो है मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने की एबिलिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अपने जो होम्योस्टेटिस होता है उसको मेंटेन करता है, साथ ही साथ जो अपना गुण है वो अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी भी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जो वायरस है उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्लासिफाई नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड कंटेंट के बेसिस पे हम लोग जो है वायरस को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सर्वाइव नहीं होते हैं, ये खुद से सर्वाइव नहीं होते हैं, इसको सर्वाइव करने के लिए किसी का सहारा चाहिए, तभी वो सर्वाइव होगा, वही जिंदा रहेगा।
वो खुद से ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है सेलुलर फंक्शन के आधार पे दो तरीके का कैटेगराइज किया गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। जो बॉडी होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो कंपोज होता है सिंगल सेल से, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूमरस सेल होता है, मतलब कई सारे सेल्स जो है से बने होते हैं। ये वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने बच्चे को कैसे पैदा करता है, तो या तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसके थ्रू। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अपने जैसे बच्चा पैदा करने का कैपेसिटी बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट्स और एक फीमेल पेरेंट दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है तब जाकर जो है वो फॉर्म होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो जनरली जो है एक ही सेल जो है हर काम को करता है, चाहे रेस्पिरेशन के लिए हो चाहे डाइजेशन के लिए, मतलब जो भी काम करना है एक ही सेल को करना है। लेकिन मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं है, मल्टीसेलुलर में अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग सेल्स का यूज किया जाता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर कोई एक सेल मर गया तो समझा जाता है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही मर गया। लेकिन मल्टीसेलुलर में एक सेल मरने का मतलब हम लोग कतई ही नहीं समझेंगे कि वो आदमी ही मर गया या वो ऑर्गेनिज्म ही मर गया। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कई सारे सेल है, कोई क्या कोई एक सेल मर जाएगा तो हम मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया, इंजरी और डेथ ऑफ सम सेल्स डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज द सम कैन बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस, है ना। कुछ सेल्स मर जाते हैं उसको रिप्लेस कर देता है हमारा शरीर। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अमीबा, स्लाइम, मॉल्ड, एल्गी, मलेरिया, पैरासाइट्स एक्सेट्रा, ये जो है क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली हम लोग ह्यूमंस को लेकर चलते हैं, या वर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि यूनिसेलुलर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में ये चीज़ें जो है आता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर एक ही सेल से बना हो, तो उसको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो सारा का सारा एक ही सेल करता है, जैसे रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, ग्रोथ, है ना, जो भी लाइफ का प्रोसेस है सारा का सारा एक ही सेल करता है। अगर एक सेल मर गया तो पूरा ऑर्गेनिज्म को हम लोग मान लेते हैं कि वो मर गया। साथ ही साथ इसमें कुछ वैसे भी सेल होते हैं जो सच सेल्स हैव नोट कोऑर्डिनेशंस एंड इंटर डिपेंडेंस, मतलब उसमें कोई सेल ही नहीं होता एक्स्ट्रा, क्योंकि एक ही सेल से तो बना ही है, तो अलग सेल उसमें है ही नहीं, तो अलग सेल है ही नहीं तो फिर उसको उस तरीके से हम लोग डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी जो है हम लोग दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि न्यूक्लियस अब्सेंट है, उसके बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि उसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो साइटोप्लाज्म के थ्रू, जैसे बैक्टीरिया, ऑर्चिया, ये एग्जांपल्स है प्रोकैरियोट्स का, जो कि यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर में, यूकैरियोट्स में वैसा ऑर्गेनिज्म आता है जिसके अंदर वो तो है तो सिंगल सेल से बना है लेकिन उसमें न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको जो है यूकैरियोट्स माना जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए अपना सेल का प्रयोग करता है।
और वो सेल का प्रयोग करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू वो ट्रांसफ़र करता है। जो यूकैरियोट्स के एग्जांपल अगर बात किया जाए तो प्रोटोजोवा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, ये सभी जो है क्या है एग्जांपल्स हैं यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो एनिमेलिया जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये इसमें कोई सेल वाल नहीं होता है। प्लांट में क्या होता है सेल वाल होता है, लेकिन इसमें कोई सेल वाल जो है आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है या जो बाउंड्री होता है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, क्योंकि हम लोग एक एनिमल हैं, हम ह्यूमन ज़रूर हैं लेकिन हम लोग भी एक एनिमल का ही पार्ट हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया हो, तो यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी कुछ पॉइंट्स आपको जो मैंने बताया ओरली वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग जो है अब इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। डियर इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है ना। तो द ओनली सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी इफिशियंटली कैरीज आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स वगैरह, एंड सच सेल हैव नो कोऑर्डिनेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर एंड सर्वाइव एज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। द ओनली फैक्ट दैट मेक्स देम डिफरेंट इन देयर एग्जिस्टेंस इन ग्रुप्स, उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो अलग अलग हो सकता है लेकिन वो सारे के सारे सिंगल सेल से बने होते हैं। जो एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है उसको कॉलोनीज जो है कहा जाता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफ्रेंशिएट होता है दो ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, पहला है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है इन देम सेल्फ लाइज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म जैसे बैक्टीरिया एंड आर्चिया, एंड यूकैरियोट्स में जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो है उसके सेल में होते हैं और वो बंधे हुए रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, किससे सेल मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है घिरे हुए होते हैं। जो यूकैरियोट्स हैं ये जो है डिवाइड किए जाते हैं तीन टाइप्स में, पहला होता है प्रोटोजोवा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा और तीसरा होता है आपका यहाँ पे तीसरा कर दो हाँ यहाँ पे ये ठीक है, दो में किया जाता है प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ जो है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं जो कि अमीबा, यूलेना और प्लाज्मोडियम होता है। प्रोटिस्टा जो है ये इंक्लूड किया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कि जो है हमारा यूकैरियोट्स में आता है और इसमें जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग जो है तीन भाग में डिवाइड करते हैं, फंगी, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। फंगी जो है ये सिंथेसाइज नहीं करता है फूड को, फूड मटेरियल को, इंस्टेड ये जो क्या करता है पोसेजेज करता है सॉपरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ये किसकी मदद से न्यूट्रिशंस को लेता है तो सॉपरोफाइटिक मोड से। इसमें जो सेल वाल होता है फंगी में वो क्या होता है वो मेड होता है, बना हुआ होता है चिटिन से जो कि जनरली होता है और इसमें कोई भी मोटिलिटी देखने को नहीं मिलता है इसके बॉडी ऑर्गेनिज्म जो फंगी ऑर्गेनिज्म है उसमें। प्लांटेई ये जो है फोटोसिंथेटिक की मदद से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद से बनाता है, यानी प्लांट, यार प्लांटेई का मतलब प्लांट का ग्रुप को जो है प्लांटेई कहा जाता है। इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है और जो कि सेलुलोज से बना होता है। इसमें जो हरी पत्तियां होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो हरी पत्तियां हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स को अपने साथ कैरी करता है।
जो कि हेल्प करता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको कैरीड आउट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके बाद आता है एनिमेलिया, ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल वॉल को कंज्यूम नहीं करता, मतलब उसमें सेल वॉल नहीं होता, हम लोग में सेल मेम्ब्रेन खाली होता है, सेल वॉल नहीं होता है। और हेटरोट्रॉपिक इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अपने से खाना बनाते नहीं है, बस कोई खाना दिया बस उसको खा लेते हैं, मतलब हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। जो एनिमेलिया होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, कभी भी प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। दे यूजुअली पोजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशंस, मतलब एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हर सभी चीज़ के लिए। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन होता है, ना कि सेल वॉल होता है। तो इन पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बस एक बार फिर से रीड करके मैंने बता दिया है ना, अब इसको आप नोट डाउन कर लो। पे अब हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल आइसोलेशन के बारे में। तो सिंगल सेल आइसोलेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो मेनी सिंगल सेल एनालिसिस टेक्निक्स रिक्वायर द आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कई सारे सिंगल सेल्स का एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और वो आइसोलेट होकर एक सिंगल सेल बन जाता है, तो उस टेक्निक को ही जो है हम लोग सिंगल सेल एनालिसिस कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है सिंगल सेल आइसोलेशन को इसलिए ताकि सीरियल डाइल्यूशन जो है वो किया जा सके, माइक्रो मैनिपुलेशंस किया जा सके और लेजर कैप्चर, माइक्रो डाइसेक्शंस और FAC एंड माइक्रो फ्लूइडिक्स किया जा सके, मैनुअल पैकिंग, इंजाइमेटिक डाइजेशंस एंड रोमन ट्वीजर्स किया जा सके। मतलब ये सारे क्या हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम लोग जो है क्या करते हैं, सिंगल सेल आइसोलेशंस करते हैं। आइसोलेशंस का मतलब होता है कि सिंगल सेल के एनालिसिस का एक टेक्निक है, तरीका है। मैनुअल सिंगल सेल पैकिंग इज अ मेथड, ये जो मैनुअल सिंगल सेल पैकिंग जो है एक मेथड है, वेयर सेल्स इज सस्पेंशन आर व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप, सस्पेंशन में रहता है और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया जाता है, देखा जाता है अंडर माइक्रोस्कोप है ना, एंड इंडिविजुअल पैक्ड यूजिंग अ माइक्रोपिटेट है ना, माइक्रोपिटेट के द्वारा जो है उसको क्या किया जाता है, अगर सिंगल है तो उसको देखा जाता है। एंड दूसरा मेथड्स है हमारा रोमन ट्वीजर्स मेथड या टेक्निक्स कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रोमन स्टेक्टोस्कोप का यूज किया जाता है, इज कम्बाइंड विद ऑप्टिकल ट्वीजर्स, ऑप्टिकल ट्वीजर के साथ कंबाइन किया जाता है, और विच यूजेज लेजर बीम, लेजर बीम एक होता है ना, लेजर बीम का यूज किया जाता है टू ट्रैप एंड मैनुपुलेट सेल है ना, सेल के को कैलकुलेट करने के लिए, मैनुपुलेट करने के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सेल कॉन्सेप्ट, सिंगल सेल क्या कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला सिंगल सेल का कॉन्सेप्ट का बेनिफिट है कि ये कन्वेंशनल बेस्ड ऐसे होता है जो कि हेट्रोजेनिटी ऑफ इंडिविजुअल वॉल्स जो है आपका होता है, जो कि इग्नोर्ड यहाँ पे किया जाता है। सेल टू सेल डिफरेंसेस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, सेल टू सेल डिफरेंस जो होता है इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन आर इग्नोर्ड, यहाँ पे जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। सिंगल सेल एक्सप्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज, जो सिंगल सेल एक्सप्रेशन एनालिसिस है उसको यूज किया जाता है फॉर ट्यूमर सेल आइडेंटिफिकेशन, जो ट्यूमर सेल का आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए। सिंगल सेल डीएनए म्यूटेशन एनालिसिस कैन बी यूज, सिंगल सेल डीएनए म्यूटेशन जो है एनालिसिस यूज किया जाता है फॉर ट्यूमर सेल मॉनिटरिंग, ट्यूमर सेल का मॉनिटर करने के लिए एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए। सिंगल सेल एनालिसिस हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड इम्पैक्टेड डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइंस इंक्लूडिंग कैंसर बायोलॉजी,
कैंसर बायोलॉजी को भी इफ़ेक्टिवली स्टडी करने के लिए भी जो है हम लोग सिंगल सेल एनालिसिस का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर सेल के एनालिसिस के बारे में यहाँ पे बताता है। क्योंकि कोई एक सेल से ही तो वो कैंसर हुआ है ना, क्योंकि शरीर में कई सारे हमारे सेल हैं, तो कई सारे सेल हैं तो कोई एक पार्टिकुलर सेल की मदद से वो हुआ है, तो उस सेल को एनालाइज करने के लिए जो है सिंगल सेल हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है स्पेसीज। स्पेसीज जो है एक वैसा क्लास होता है प्लांट्स या एनिमल का, जिस जो कि मेंबर होता है सेम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का एंड आर एबल टू ब्रीड विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ ब्रीड होता है और उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सेम होता है। अगला टर्म है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है एक जो है ये लो लेवल टैक्सोनॉमी होता है, टैक्सोनॉमी रैंक होता है जिसका यूज किया जाता है इंट्रा स्पेसिफिक लेवल के लिए। ये स्ट्रेन जो है लो लेवल टैक्सोनॉमी है, मतलब एक सबसे लोअर पार्ट वाला है। स्ट्रेन जो है ये हमेशा देखा जाता है इनहेरेंटली आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है और कैरेक्टराइज किया जाता है बाई अ स्पेसिफिक इंडेंट ऑफ जेनेटिक आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन का। स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप जो है ये सब ग्रुप होता है हमारा स्पेसीज का, जो स्टेरियोटाइप है ये सब ग्रुप होता है किसका, स्पेसीज का, विच आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज की मदद से क्या होता है, अकॉर्डिंग उसको ग्रुपिंग किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है या फिर कह सकते हैं कि एकत्रित किया जाता है। एंटीजीन्स आर सबस्ट्रांस, एंटीजीन क्या होता है, तो एक सबस्ट्रांस है डैट आर कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया जाता है फॉरेन टू द होस्ट बॉडी, होस्ट फॉरेन से होस्ट बॉडी की ओर उसको जो है क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशंस के तौर पे यूज करेंगे, जो कि है पहला है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं जेनेटिक सिमिलरिटीज़ के अनुसार और इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, है ना, क्या सिमिलरिटीज़ है उसमें या क्या आपका जो है इवोल्यूशनरी उसमें हुआ है उसको लेकर हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फेनोटाइपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ग्रुप्स डू नॉट नेसेसरली, ग्रुप्स जो है डू नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट जेनेटिक सिमिलरिटीज़। जो फेनोटाइपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें कोई भी जेनेटिक सिमिलरिटीज़ देखने को नहीं मिलता है और ना ही कोई इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस देखने को मिलता है। और ये जो है इंस्टीड ऑफ, मतलब के बावजूद, मतलब उसके जगह पे ग्रुप आर बेस्ड ऑन कन्वीनियंट, इसमें जो ग्रुप्स होते हैं जो डिवाइड किए जाते हैं वो कन्वीनियंट होते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स और कन्वीनियंट ये पार्ट जो है हमारा होता है। तो इन टॉपिक को जो मैंने बताया यहाँ पे इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे और भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो टर्म है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है ये ब्रॉड सेंस देता है साइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि साइंस में किसी भी जाति के बारे में कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। बट मोर स्ट्रिक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म। जनरली ये जो है साइंस का क्लासिफिकेशन के बारे में तो बताता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बताता है कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लासिफाई के बारे में डिस्कस किया जाता है टैक्सोनॉमी में। अगला टर्म है स्पेसीज। स्पेसीज जो है कलेक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेंस है जो कि शेयर किया जाता है मेनी प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर ग्रुप्स ऑफ स्ट्रेन, अदर ग्रुप ऑफ स्ट्रेन को जो है ये करता है। और स्ट्रेन क्या है, ये पॉपुलेशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म का जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म या प्योर कल्चर आइसोलेट से डेवलप होता है।
अगला है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसमें भी स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो एनिमल के बारे में कि कौन सा एनिमल किस जगह से आया है, उसका बिहेवियर क्या है ना, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। वर्टिकल जेनेटिक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि यहाँ पे जीन का एक्सचेंज होता है पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग से, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है हमारा चला जाता है कि क्या आपका होगा, क्या प्रॉपर्टीज़ होगा उसके बारे में, है ना। मतलब मेरा जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेरे बेटा में चला जाएगा वो चीज़। फिर लैटरल और हॉरिजॉन्टल जेनेटिक ट्रांसफ़र में क्या होता है, जिसको शॉर्ट में LGT कहते हैं, इसमें जीन एक्सचेंज होता है दैट हैपन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कारण से क्या होता है कि जीन का एक्सचेंज होता है ना, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आता है मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लैटरल या हॉरिजॉन्टल जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, यानी जीन का एक्सचेंज होता है, तब जाकर जो है ऑफस्प्रिंग जो है पैदा लेता है। उसके बाद हम लोग जो है अब आगे बढ़ेंगे कि भाई जो क्लासिफिकेशन के बारे में देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लासिफिकेशन किस में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में। तो ठीक है टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन का एक गोल तो होगा ना, एक उद्देश्य तो होगा ना कि क्यों हम लोग जो है करते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी अलग अलग स्पेसीज हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है, इसके लिए हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। रीजंस क्या है क्लासिफिकेशन करने का, तो सबसे पहला कि अर्थ पे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना। अलग अलग जीव जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे आप अपने भारत में ही आ जाइए, भारत में अगर हम लोग नॉर्थ यानी बिहार के हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या मैथिली भाषा बोलते हैं या फिर भोजपुरी बोलते हैं, और इंग्लिश भी साथ ही साथ बोलते हैं। लेकिन वही अगर चल जाओ साउथ में, तो साउथ में एक तमिल का होगा तो तमिल बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, इस तरह। तो रीजन्स बाई रीजन्स, तो उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं, तो अर्थ पे उसको डिवाइड करने के लिए, साथ ही साथ कि उसका नोमेनक्लेचर मतलब उसके नाम के आधार पे भी जो हम लोग कई बार क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए भी जो हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ कि कोई स्पेसीज है, नाम तो किसी और के जैसा मिल रहा है लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो किसी और के जैसा मिल रहा है, तो उसके लिए भी जो हम लोग को क्लासिफाई करना पड़ता है ताकि हम लोग एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख सकें उसके लिए। और कोई भी अननोन स्पेसीज हैं तो उसके बारे में हम लोग आसानी से जान सकें, उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर्स, उसके इवोल्यूशंस, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी मदद से। अब अगला टर्म आता है कि मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन देखें, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मेनली दो मेथड हम लोग जो है ज़्यादा यूज करते हैं। पहला मेथड है फेनोटाइपिक मेथड और दूसरा मेथड है आपका फाइलोजेनेटिक मेथड। अब इसमें होता क्या है फेनोटाइपिक और इसमें फाइलोजेनेटिक मेथड में, तो फेनोटाइपिक मेथड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल का स्ट्रक्चर्स, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म एंड और भी कई सारे सेल के कंपोनेंट के आधार पे हम लोग जो है क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें मेनली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि क्या डाइवर्सिटी है बैक्टीरियल स्पेसीज का, उसका नाम क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको किस ग्रुप में देना चाहिए और क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है एक दूसरे से उसके बेस पे, मतलब जनरली सेल का स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर क्लासिफाई करते हैं। लेकिन फाइलोजेनेटिक जो मेथड है इसमें जो है हम लोग कि वो कहाँ से जनरेट हुआ है ना, जैसे हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन को जो है बोलते हैं कि पहले बंदर था, बंदर से जो है ह्यूमन बना, है ना, कहाँ से बना, बंदर से, तो पास्ट में था बंदर, अब बन गया ह्यूमन,
तो बंदर से ह्यूमन बना, तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुआ। तो ये जो इवोल्यूशंस का पाथ था, जो ऑर्गेनिज्म कहाँ से कहाँ बना, उस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। जैसे आप मेढक को देखोगे तो मेढक अगर छोटा है तो लगेगा कि ये भी मछली है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो पता चलता है कि ये तो मछली नहीं था, ये तो मेढक था। ठीक है, तो इवोल्यूशंस के बेस्ड पे जब हम लोग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हम लोग पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक मेथड में। कुछ और भी एक्सेप्शनल हैं जो अदर मेथड हैं, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, डीएनए होमोलॉजी, राइबोसोमल आरएनए होमोलॉजी, ये भी कुछ अदर मेथड्स हैं जिसकी बेस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर, उसके नाम के बेसिस पे हम लोग फिर उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको जो है नहीं रहा होगा। चलो फाइलोजेनेटिक का भी यहाँ पे स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ। दूसरा मेथड क्या था, फाइलोजेनेटिक मेथड, है ना। इसमें आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लिख लोगे कि ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड, ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी पाथ, है ना। इवोल्यूशनरी पाथ के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग करते हैं। और कुछ अदर मेथड हैं जिसका नाम मैंने बता दिया, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लेक्चर्स को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगली जो सेशंस होगा हमारा मॉड्यूल नंबर 9 का, जो कि लास्ट मॉड्यूल है, इसमें हम लोग जो है माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोस्कोप में कैसे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, क्या उसका बिहेवियर रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वन बाई वन डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में।